उंगली मत दिखाइए, नीचे करिए सर प्लीज, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, फिर मैनिपुलेट मत करिएगा। उंगली मत दिखाइए, नीचे करिए सर प्लीज, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, फिर मैनिपुलेट मत करिएगा। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई सुनने को तैयार नहीं होता, बहुत सही बात। अनुशासन का, एक मिनट सुनिए, सुनिए ना, बड़ी कौन देगा, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, डिले हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए बीएसपी है, आरएसएस है, तो 80 करोड़ हिंदुओं का ठेका इन्होंने लेके रखा है, देवबंद और बरेली है, बरेलवी संप्रदाय के जो इनके हेड है, तो 20 करोड़ मुसलमानों का नेता बनना हो तो फतवा तुरंत आ जाएगा कि ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद करो, ठीक है। अरे ये कानून से ज्यादा बढ़िया तो खाप पंचायत होती थी, जो तुरंत डिसीजन दे देती थी कि हुक्का पानी बंद करो। 2 साल की बच्ची को कौन सी एनसीईआरटी की किताब में पढ़ाया जाएगा और कौन समझा देगा कि ये क्या चीज होता है, कैसे वो बचाव करे इन लड़कों के जो दो चीजें जो होती है ना, एकदम ठीक कह रहे हैं। कि मेरा क्वेश्चन एक है, करेक्टिव मूड से प्रिवेंटिव मूड पे ये पूरा सिस्टम कब आएगा? एम्बुलेंस पहुंचती है डेथ होने के बाद, डॉक्टर पहुंचते हैं डेथ होने के बाद, पुलिस पहुंचती है मर्डर होने के बाद। वेयर इज द प्रिवेंटिव मोड डॉक्टर गुल्लेज? डिबेट ओपन करता हूं मैं, के मिश्रा कानून कड़ा करने की जरूरत तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मेरी एक और सोच है कि मिश्रा शायद आप सहमत होंगे मेरी इस बात से, कानून का खौफ होना चाहिए, हर किसी के जहन में होना चाहिए, लेकिन जो प्रथम पाठशाला होती है, आपका घर, आपकी परवरिश, आपके संस्कार, घर से पहले ये संस्कार मिलने चाहिए कि महिलाओं की इज्जत करनी है, बच्चियों की, बहनों की इज्जत करनी है। कानून का खौफ तो बड़े होते होते अपने आप आ जाएगा शायद। मैम आपने, मैं एकदम यही विचार मेरे उसमें चल रहे थे जो आपने अभी बोला है, सबसे वैलिड पॉइंट यही है। देखिए यत्र नारयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाले देश की ये हालत है। देखिए यत्र नारयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाले देश की ये हालत है। बहुत सारे सुझाव मुझे आए, बीजेपी वालों ने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको टाल दिया और समाज के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल दी है। चुनाव के पहले तक इनकी क्या जिम्मेदारी थी, वो बखूबी इनके नेता, कोई भी सरकार हो, देखिए सरकार कोई भी हो, इस मुद्दे पे हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। आप उंगली मत दिखाइए, नीचे करिए सर प्लीज, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, फिर मैनिपुलेट मत करिएगा। उंगली मत दिखाइए, नीचे करिए सर प्लीज, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, फिर मैनिपुलेट मत करिएगा। देखिए है क्या रचना मैम, आपने सही बोला है, मैं बोलता हूं संस्कार मिले या ना मिले, लेकिन हर घर से पहले ये डर जरूर मिलना चाहिए कि अगर तुमने ये काम किया, ये खौफ जो कानून देना चाहती है, जो हम बोल रहे हैं कि पुलिस के डंडे से ये खौफ पैदा हो, ये खौफ उसी बचपन में पैदा हो जाना चाहिए कि अगर किसी छोटी बच्ची, किसी लड़की के ऊपर आपने हाथ डाला तो उसकी सजा कानून दे या ना दे पहले घर में मिलेगा। इसका सबसे दुखद पहलू मैं आपको बताऊं, मैं इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ता हूं, मैं अपने देश की बात करता हूं, इसको धर्म से मत लीजिएगा। बात बात पे यहां पे धर्मादेश और फतवा हो जाते हैं। मुझे पता नहीं, बहुत सारे मुस्लिम संगठन आए थे, मैं उनकी तारीफ करता हूं जिन्होंने ये इन सारी घटनाओं की पुराने में बुराई की है मतलब, लेकिन मैं ये देखता हूं ना, जो पूरे अभी जितने भी संगठन हैं ऐसे धार्मिक, वो ये बोलते हैं कि पूरे देश की इस समुदाय का, जैसे अगर मान लीजिए बीएसपी है, आरएसएस है, तो 80 करोड़ हिंदुओं का ठेका इन्होंने लेके रखा है, देवबंद और बरेली है, बरेलवी संप्रदाय के जो इनके हेड है, तो 20 करोड़ मुसलमानों का नेता बनना हो तो फतवा तुरंत आ जाएगा। ऐसे चीजों पे फतवा और धर्मादेश क्यों नहीं आता है? ऐसे चीजों पे फतवा और धर्मादेश क्यों नहीं आता है कि ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद करो, ठीक है। अरे ये कानून से ज्यादा बढ़िया तो खाप पंचायत होती थी, जो तुरंत डिसीजन दे देती थी कि हुक्का पानी बंद करो। 2 साल की बच्ची को कौन सी एनसीईआरटी की किताब में पढ़ाया जाएगा और कौन समझा देगा कि ये क्या चीज होता है, कैसे वो बचाव करे? 2 साल की बच्ची को कौन सी एनसीईआरटी की किताब में पढ़ाया जाएगा और कौन समझा देगा कि ये क्या चीज होता है, कैसे वो बचाव करे? सबसे पहला स्टेप होना चाहिए घर में खौफ पैदा किया जाए इन लड़कों के, जो दो चीजें जो होती है ना, एकदम ठीक कह रहे हैं कि केसेस में तारीखें तब मिला करती हैं, इसे आप जुडिशरी को मत आप सवालों के कटघरे में खड़ा कीजिए, तारीखें तब आगे बढ़ा करती हैं जब जो पुलिस और जो प्रोसिक्यूशन होता है केस को उतने मजबूत तरीके से जब पेश नहीं कर पाता है तब ऐसा हुआ करता है। क्योंकि राशिद देखिए आपने बहुत सही बोला था, मैं आपको बताऊं, जो जुडिशरी है ना वो डिपेंड किस पे है? पुलिस के ऊपर नीचे से साक्ष्य आएंगे, खैर जुडिशरी के ऊपर भी जो वर्कलोड वगैरह है वो डिफरेंट इश्यू है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी कमी मैं ये देखता हूँ ना, देखिए सबसे पहला सोपान होता है यहाँ कि पुलिस, साक्ष्य आ चुके, गवाही हो चुकी, मैं ये बताना चाह रही हूँ, एक एक को सुन लेते हैं पूरी तरह से। देखिए आपने जो बोला ना, देखिए है क्या, पुलिस जब कंप्लेंट नहीं लिखती है, जो लोग सेवा में कोताही बरतते हैं उनको सजा कौन देगा? ये फैक्ट है, मैं आपको बताता हूँ।
कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई सुनने को तैयार नहीं होता बहुत है। सही बात। अनुशासन का एक मिनट सुनिए सुनिए ना, बड़ी कौन देगा, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, डिले हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बच्ची के केस में भी 2 दिन तक पुलिस, इतना सेंसिटिव मैटर है जो आदमी को, अगर देखिए अपने बेटे के लिए तो ड्यूटी छोड़ के भागेंगे पुलिस वाले की बुखार हो गया है, फोन आया है साहब छुट्टी है। जब आप ड्यूटी पे हो और आपके पास दिमाग है, आपके पास हृदय है, आप खुद सोचिए कि ये मैटर बड़ा सेंसिटिव है। एक छोटी सी बच्ची अगर गायब हुई है, उसी वक्त अगर आप एक्शन ले ले, एक शिकायत होने पे आप FIR लिखे या ना लिखे, लेकिन 2 पुलिस वाले जाकर के अगर वार्न देके चले आए तो वो भी एक बहुत बड़े अपराध को रोक सकता है फ्यूचर में। मेरे कहने का मतलब राशिद ये है, जितने सम्मानित लोग बैठे हैं, मैं मतलब पूरी भर्त्सना करता हूं सिस्टम की, इसके पहले सरकार और आज, देखिए बीजेपी सरकार में भी कोई बहुत चेंज मुझे नहीं लग रहा है। मेरा क्वेश्चन एक है, करेक्टिव मूड से प्रिवेंटिव मूड पे ये पूरा सिस्टम कब आएगा? एम्बुलेंस पहुंचती है डेथ होने के बाद, डॉक्टर पहुंचते हैं डेथ होने के बाद, पुलिस पहुंचती है मर्डर होने के बाद। डॉक्टर गुलरेज, करेक्टिव मोड से प्रिवेंटिव मोड में कब आएंगे? कोई भी घटना या दुर्घटना होने के बाद, कोई भी घटना या दुर्घटना होने के बाद हमें चीखने चिल्लाने या डिबेट करने के बजाय पहले ही प्रिवेंशन क्यों नहीं हो जाता, पहले ही सुनिश्चित क्यों नहीं कर लिया जाता? अभी तक डिबेट के लगभग 40 मिनट में मुझे किसी की भी तरफ से यह गारंटी नहीं मिली कि आगे आने वाले दिनों में बच्चियों के खिलाफ कोई जुल्म ज्यादती या बलात्कार दुष्कर्म जैसी घटनाएं नहीं होंगी। वेयर इज द प्रिवेंटिव मोड डॉक्टर गुल्लेज? जिस प्रिवेंटिव मोड की बात यह कर रहे हैं अभी AK मिश्रा, जिस प्रिवेंटिव मोड की बात यह कर रहे हैं अभी AK मिश्रा, जीरो कर दीजिए ना, करेक्टिव मोड से प्रिवेंटिव मोड में आ जाइए ना, वो कॉन्फिडेंस दिखाइए। देखिए राशिद भाई, मैंने अपने अपनी चर्चा के आरंभ में इसीलिए एक बात कही थी कि जो कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर होता है वो एक सतत प्रक्रिया होती है, नीचर्क नहीं होती, वो सतत प्रक्रिया के कारण ही जो जुल्म और इतने बड़े चुनाव हुए वहां आपकी पार्टी पे काम करती है, तुरंत रिएक्शन आप देते हो। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे आपकी सरकार या सिस्टम क्यों नहीं आता है सर? पाकिस्तान से वो चलती रहती है, जहाँ जरूरत नहीं तो मैंने बोला। अब आप दोनों रुक जाइए, ऐसा दारापुरी जी, मैं रेडिकल चेंजेस की बात कर रहा हूँ, मैं आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर गुल्लेज AK मिश्रा रुक जाइए, डॉक्टर गुल्लेज आप भी रुक जाइए। कि अगर कानून में पहले से प्रावधान है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी जानबूझकर अपने कर्तव्य की अवहेलना करता है, लेकिन तो जानते हैं क्या होता है दारापुरी जी, क्या होता है? अरे मैं बताता हूँ ना, तो ऐसे मैं बताता हूँ, अरे मैं बताता हूँ, अरे मैं बताता हूँ, सियासत पथरीली राहों से ही कंपा करती है। आने पे सड़क आइए, तो चाहिए था आप क्या के पे अगर होता है, घर में जाके मिलना तो चाहिए था, घर में जाकर के मिलना तो चाहिए था, अलीगढ़ में जाना चाहिए था, बहराइच में जाना चाहिए था, हमीरपुर में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया।